चलो, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आया है यार, इसको तो तुम बड़ी आराम से कर सकते हो। कम से कम यार 3-4 बार ये आ चुका है। स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन वन एन एन टू, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन आर रिलेटेड। अब अगर एक स्ट्रिंग है उसको मैं 3 पार्ट में काट देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है उसके बेसिकली मैंने 3 पार्ट कर दिए। चलो, एक्चुअल लेंथ कितना था, एल था, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एन थी। अगर मैं इनके 3 पीस कर दिए तो ये एल वन है, ये एल टू है, ये एल थ्री है, फ्रीक्वेंसी एन वन है, एन टू है, एन थ्री। हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल में 2LT/μ अंडर रूट ये होता है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो एक्चुअल लेंथ है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 के सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/N इज इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3 के इक्वल होगा। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर एंड पीसेस, मतलब ए ऑप्शन सही है।